बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। नहीं यार, बीजेपी बेकार है, आम आदमी पार्टी बेस्ट है। अभी ये दोनों ही बेकार हैं, जो कांग्रेस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसी कॉन्वर्सेशंस तो यार हम सबके ग्रुप्स में होती है, हमने अपने घर में भी सुना है, रिलेटिव्स को भी आपस में बातें करते सुना है। सबको सुनकर और देखकर हमारा एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव फॉर्म हो जाता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। सबका एक पॉलिटिकल ओपिनियन होना अच्छी बात है, बट यार हम पॉलिटिकल पार्टीज के फ्री के स्पोक्स पर्सन क्यों बन जाते हैं। मैं अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्री का स्पोक्स पर्सन था। दोस्तों से डिस्कशन में उस पार्टी को सपोर्ट करता था, ऑनलाइन हेटफुल पोस्ट भी शेयर करता था, कॉमेंट्स में लोगों से लड़ जाता था, घंटों तक आर्ग्यूमेंट्स भी करता था। और ये सब करने के बाद हमेशा मैं खुद को डिस्टर्ब कर लेता था, पीस खत्म हो जाता था, मूड खराब हो जाता था। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त बनने से हम बहुत बायस्ड हो जाते हैं और हमें दूसरे का सिर्फ गलत ही दिखता है। और ये सब आपने भी जरूर से फेस करा ही होगा। सच्चाई यही है कि कोई पार्टी हमें ये सब करने का पैसा तो दे नहीं रही है, फ्री में क्यों अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मूड्स, रिलेशंस खराब करना। पैसे मिल रहे हो तो जरूर से करो। एट द एंड हमारे पास हमारा एक वोट है। हर पार्टी के बारे में अपने लेवल पे रिसर्च करो एंड वोट करके अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से हमारी डे टू डे लाइफ में एज सच कोई चेंज नहीं आता है। चेंज सिर्फ हमारे काम से आएगा। हम कितना टाइम खुद की स्किल्स पे काम करते हैं, फिजिक पे काम करते हैं, मेंटल पीस पे काम करते हैं, एंड शायद इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए हमें एक अनबायस्ड माइंडसेट के साथ ही वोट करना चाहिए। हसल विद अरमन।